आपने कॉमेडी के सबसे बड़े फिनाले में पहुंचने का टशन कितना बढ़ चुका है, क्योंकि आज सेमीफाइनल के आखिरी पड़ाव में होगा फैसला कि इनमें से कौन सी तीन जोड़ियां लड़ेंगी ग्रैंड फिनाले में। तो चार धुआंधार जोड़ियों की 4440 वोल्ट की परफॉर्मेंस के साथ यू आर ऑल वेलकम टू अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। फिनाले में जाने से पहले हमारी जोड़ियां गुजरे जमाने में जाएंगी, क्योंकि आज है रेट्रो स्पेशल। और गुजरे जमाने में एंटर करने से पहले स्वागत राजेंद्र कुमार की नजाकत में धर्मेंद्र की ताकत लिए अर्चना पुरन सिंह। और माँ कसम गीता की सौगंध गंगा की कसम 70s की हर कसम से ज्यादा सच्चे होते हैं जिनके कमेंट्स शेखर सुमन। चारों सेमीफाइनलिस्ट ग्रैंड फिनाले में जाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये हम देख चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ तीन जोड़ियां जाएंगी फिनाले में। कल के और आज के स्कोर्स को जोड़कर कोई एक जोड़ी होने वाली है एलिमिनेट। तो चलिए देखें फिनाले तक जाने के लिए जोड़ियां रेट्रो का कौन सा रूप दिखाती है। बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। एक जमाना था जब शादी से पहले लड़का लड़की नहीं दे सकते थे एक दूसरे को लुक, आंखें लड़ने से पहले ही नजरें जाती थी चुप। और ऐसे जमाने में कपल को मनानी है सुहाग रात, वो भी एक जॉइंट फैमिली के बीच, और ये है उसका सबसे बड़ा दुख। प्लीज वेलकम मुक्ति एज दुल्हन एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर्स। 70s की दुल्हनों को ना बड़ी लाज शर्म आती थी। हम तो चंदा से भी कहते थे कि जरा अपना मुंह उधर फेरो, हमें अपने उनसे बात करनी है। और अपनी 2010 की दुल्हनों को देख लो, अबे ओए चंदा मुंह उधर करता है या इधर एमएमएस बनाएगा है? लेकिन मैं ना, मैं तो, मेरे को याद ही नहीं है कि कब मैंने उनका मुंह देखा था। मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? लगता है अब अपनी हरकतों पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। गड्डी ते ना चाड़ दी, 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 छेड़े आंदे टट्टू ते टप चाड़ दी, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। हाय मैं मर जाऊं, कितनी प्यारी बहू है, आए मैं मर जाऊं गुड़गा की। जी, जी आप कौन? अरे मेरे को नहीं पहचाना, मैं तेरी भाभी निम्मो। भाभी? ये कैसी भाभी है? हाथ तो भाइयों जैसे हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ, हाथ भाइयों वाले हैं, राजीव निगम से तो सुंदर ही हूँ। अरे मुझे लगा मेरे वो आ गए। वो आ गए, वो की बड़ी जल्दी, तेरे को तेरे लिए दूध लेके आई हूँ। दूध? लेकिन अभी क्या फायदा है, वो तो अभी तक आए नहीं, ठंडा हो जाएगा। पागल, तेरे लिए लाई, उसको तो देना भी मत, दूध पीता बड़ी गड़बड़ करता है, बताए? नहीं नहीं, उसका मैदा कमजोर है ना, पेट खराब हो जाता है। अरे मैंने तो लेकिन सुना था वो ना फिल्मी हीरो अक्षय कुमार जैसे लिखते हैं। अक्षय कुमार तेरी कौन सी बुआ लेके आई 1960 में है? पागल, हमारे हीरो अशोक कुमार जैसे होते हैं। अच्छा? हाँ। लेकिन मैं कैसे पहचानती ना, मैंने देखा ही कहा है। आज ही तेरे को आई, आज ही तेरे को देखने की पड़गी। तेरे को पता मेरी शादी को तो 11 साल हो गए, आज तक मुझे नहीं पता चला मेरा वाला कौन सा है। पता है तेरे को, एक दिन शेव करके आता है, एक दिन दाढ़ी में आ जाता है, लेकिन मैं भी फालतू बहस नहीं करती। चलो आदमी रोज आ तो रहा ना घर में। और एक बात सुन, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ पागल? आज तेरे सुहागरात, तेरा चेहरा फ्लफी फ्लफी लग रहा है, क्यों तेरे चेहरे पे रौनक क्यों नहीं, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग करना, क्या हुआ तेरे को? री रौनक वौनक का कुछ नहीं थी, लाइटिंग ही ठीक नहीं है। लाइटिंग से कुछ नहीं होता, ये सुरेंद्र पे पूरी लाइटिंग है, वो कौन सा राजेश खन्ना लग रहा है। लेकिन ये राजेश खन्ना नहीं है तो क्या हुआ? आप तो ना बिल्कुल मुमताज लग रही हो, छोटी शरारती है तू। तेरे को पता है मुमताज तो कुछ नहीं, शादी से पहले तो सारे मोहल्ले वाले मेरे को बिंदु बिंदु कहते थे। इतना मेरे चेहरे पे ग्लो था ना, इतना चेहरा, जब मैं नई नई आई मैंने तेरे भैया को कहा, मैंने कहा मेरे चेहरे पे इतना ग्लो है, इतनी मेरी स्किन चलकती है, इसको रात को सोने से पहले क्या लगाऊं? मेरे को कहते कुंडी लगा के। तेरे को पता है जब मैं नई नई ब्याह आई थी मेरे कमरे में तो कुंडी भी नहीं थी। कुंडी भी नहीं? कुंडी नहीं थी, उसके बावजूद छोटा वाला 7th में है, बड़ा वाला LKG में है। भाभी फिर तो आप शरारती हुई ना। अच्छा तेरे वाले को आने दे, वो देखना कितना शरारती, आते तेरा हाथ पकड़ेगा। हाँ और तुम आते ही शगुन ले लेना। हाँ। पता क्यों? पति हो या प्रोड्यूसर, काम के बाद पैसा कोई नहीं देता। हाँ। और सुन आज के दिन डरियो तो बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं डर। आज जो डर गया समझो मर गया, आज सेमीफिनाले है ना। पर तेरे को क्या, तेरा तो आज ग्रैंड फिनाले है।
आज तेरा ग्रैंड फिनाले एपिसोड लंबा चलेगा। भाभी अच्छा हुआ भाभी चली गई, अभी तो पूरी रात बाकी है। वैसे अर्चना तुम्हारी सुहाग रात कैसी थी बताओ ना। बताओ ना कैसी तुम्हारी सुहाग रात। अरे हमने स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं ना कुछ। अच्छा हम लोग वेट कर रहे थे तो तुम्हारा ही हमारा गैप छोड़ दिया कि अर्चना बताएगी। अच्छा छोड़ो मेरे को पता है कैसे शर्म आई होगी ना बड़ी। Yeah, right. परमीत को yes. अब बेड़ा गर्क हो। एक तो बरात वाले घर में बुड्ढों को सोने के लिए जगह नहीं मिलती। आए, तीन बाथरूम है घर में, 150 बराती भरे पड़े हैं। ऊपर से सब कमबख्तों की टाइमिंग एक जैसी। आए जीजे अलग से नाराज हुए पड़े हैं, कहते रात को हमने जो दारू पी के पैसे लुटाए वापस करो। आए अंबाले वाले भूपा का बेड़ा घर को दो पैग लगा के बोलता है होटल में कमरा बुक करा हुआ है। आए बुजुर्ग को कोई पूछता नहीं कहाँ सोए। आए इधर जगह खाली इधर ही सो जाता हूँ। जी 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 आप कौन है? आप कौन जी? बेटे मैं तेरा ससुर के बड़े भाई ताऊ जी बोल रहा हूँ। जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बेटा मैं कुछ नहीं, तेरे को दूध देने आया था। जी आप क्यों दूध दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा बेटा, भैंस का है। रख ले। जी मेरे कहने का मतलब है कि दूध तो सासू माँ देती है ना। नहीं बेटे ये वो वाला मस्ती मजाक करने वाला दूध नहीं है, ये तो फटा हुआ दूध है। इसका पनीर बना दे, बाकी जो बचता है एक कप चाय पिला दे मेरा बेटा जा। जी लेकिन चाय कैसे बनेगी, दूध तो फटा हुआ है ना। दो टांके मार के सिलाई करके पिला दे, तेरी माँ तो कहती थी सिलाई कढ़ाई आती तुझे। वैसे ताऊ जी आप यहाँ आए क्यों हैं ये बताइए। कुछ नहीं बेटा बाहर गर्मी लग रही थी, मैंने कहा आके तुम्हारे पंखे की हवा ले लूं दो मिनट। नहीं 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 ताऊ जी, ताऊ जी आज मेरी सुहाग रात है। तो फिर क्या हुआ पंखा नहीं चलाओगे? मैं इधर सो जाता हूँ। नहीं 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 ताऊ जी, अरे वो भी तो आने वाले है ना। ओहो मेरा भी दिमाग खराब है, तुम्हारी सुहाग रात है तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलो ऐसा करो तुम लोग एंजॉय करो, मैं सो जाता हूँ। ताऊ जी लेकिन वो कहाँ सोएंगे? तो वो बीच में सो जाएगा बेटा। क्या बीच में सो जाएगा जी? बीच में तो बेटा बीच में मैं थोड़ी ना सोता अच्छा लगता हूँ। ताऊ जी मेरा मतलब है कि हम दोनों आपके साथ कैसे सोएंगे? तो बेटा तुम लोग सोफे पे सो जाना, मेरा क्या, मैं बेड पे सो जाऊं गरीब आदमी। नहीं नहीं ताऊ जी, ताऊ जी उठिए उठिए, मेरा ना बहुत सर दर्द कर रहा है। ताऊ जी आप ना बाहर चले जाइए। सर दर्द कर रहा है? हाँ जी। ला बेटा मैं तेरा सर दबा दूं, मैं हकीम भी हूँ, डर मत। इधर इधर आ बेटा। ओ मैं हकीम भी हूँ तुझे पता है। ताऊ जी सर दबा, मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ तेरे को पता है। कल एक आदमी को सांप ने डस लिया, पता किसने बचाया? मैंने। उल्टा लोग मुझे मारने लग पड़े, कहते साले आदमी के मुंह से झाग निकल रही तू सांप को बचाने में लगा। ऊपर से सांप इतना एहसान फरामोश, उल्टा मुझे डस लिया, फिर जाके मरा सांप। ताऊ जी लेकिन जो भी हो जाए आज मेरी सुहाग रात है, आप यहाँ नहीं सो सकते? देखो तुम्हारी सुहाग रात है, मेरा सेमीफाइनल, तुम तो सुहाग रात कभी भी मना लोगी, मैं सेमीफाइनल कहाँ मनाऊंगा। ताऊ जी मेरा ना सर दर्द हो रहा है, आप ऐसे करो बाहर जाके ना दवाई लेकर आ जाओ। जी दवाई लेके आऊं? तो दवाई ले आता हूँ, लेकिन एक बात सुन। क्या? अंदर से कुंडी मत लगाना। क्यों? बुजुर्ग आदमी हूँ, दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा फिर। आए बेड़ा घर को पोते पोतियों का। आए बचपन में इनको गोद में खिलाते रहे, आज सुहाग रात है दादा की किसी को फिक्र नहीं। आए हे भगवान ये कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है। काश भगवान ऐसे मत करना, मेरा पति ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे कपिल बार बार रोल बदल बदल कर आ रहा है ना, वैसे अच्छा सब पति बन कर आ जाए। जैसे आपको ये अभी बत्तख दिख रही है भगवान, और ये देखो अभी खरगोश बन गई। वैसे ही कपिल प्लीज मेरा पति बन कर आ जा। लुक लुक लुक, अरे बाबा लुक, ओह माय डार्लिंग, ये लुक जी। आप कौन है? इतिक। क्या? इतिक। इतिक क्या क्या बोल रहे हैं आप? इतिक। ओहो अब ये तो होना ही था, कुछ नहीं होता, अब जो मिल गया वही ठीक है, आज से आप ही मेरे पति हैं। अच्छा तो कल कौन था? नहीं ना मेरा मतलब है कि
आज मेरी आपसे शादी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा सुंदर लड़का देखा मेरे चाचा को धोखा देने लगी। चाचा तुम दूल्हे नहीं हो? मैं दूल्हा? सुबह का दूल्हा अगर शाम को घर आ जाए उसे दूल्हा नहीं कहते। छोड़िए ये सब बातें, आप लेकिन क्यों आए यहाँ पर? मैं इधर अंदर आया हूँ, आप मेरे चाचा तो नहीं आए इधर? नहीं, चाचा नहीं आए यहाँ पर। चाचा आएगा भी नहीं। क्यों? चाचा बेवकूफ आदमी है। आपको शर्म नहीं आती अपने चाचा के बारे में ऐसे बोलते हुए? क्यों, क्या बोल दिया मैंने? तुम्हारी दोनों की उम्र में फर्क क्या है ये बताओ। क्या फर्क है, एक ही साल का तो फर्क है। तुम चाचा से सिर्फ एक साल ही छोटे हो? नहीं, चाचा मेरे से एक साल छोटा है। चाचा छोटे? हाँ, मेरा छोटा भाई है ना चाचा, तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई है, मैं तो स्कूल में भी टिफिन में लेकर जाता था उसको। उसका नाम है चाचा कपूर। ओह माय गॉड, फिर मैं पागल हो जाऊंगी। एक सेकंड, पागल मत होना, पहले मेरी पोएम सुन लो। पोएम सुनाओ। सुनाओ। उक्कड़ दुक्कड़ बम्बे पो, ऊपर बेबी छोटा है, 80-90 पूरे 35। मेरे को नहीं करनी सुहागरात, 2010 में जाके करूंगी मैं। 2000 मेरे पास है, 10 आप दे दो अर्चना जी। अर्चना जी, सेमीफाइनल में कैसा लगा इनका ग्रैंड फिनाले? द होल एक्ट वॉज वंडरफुल, एंजॉयबल एंड रियली वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल ऑफ कॉमेडी सर्कल। थैंक यू। इट वॉज वेरी वंडरफुली प्लेड, वेरी ब्यूटिफुली डन, जो दोनों आपने किरदार किए कपिल। And Mukti, you were in your elements today. Well done. Thank you. Well done. Shekhar ji. I enjoyed the act. It was a fantastic act. And I think a good act is not all about perfect cueing. जिस तरह जिंदगी में आप जब को किसी को दो लोगों को बातचीत करते देखते हैं, there are a lot of overlaps, people forget. It's all about how you handle that situation. और जैसे शुरुआत आपने की, Mukti, you have been such a surprise packet from day one. We all thought you were just a good dancer. You turned out to be such a perfect actress. बहुत अच्छा आपने निभाया और दोनों characters आपने बहुत अच्छे निभाए कपिल, लेकिन जो अंत था, वो जो finishing था, वो थोड़ा जिसे कहते हैं फुस हो गया. It started off as a perfect and I nearly thought that you were going to get what she asked for toward the end, it looked like a complete 10-on-10 act, but kahin thoda sa aap phisal gaye. I wish you had taken care of that bit that just went amiss, but otherwise it was a brilliant act. Thank you sir. Ab bari hai Skorsky, Archana ji. Thank you. Aapko milte hain 10. Thank you ma'am. Shekhar ji, Skors. आपको मिलते हैं 9 points.